हेलो एंड वेलकम बैक टू टीम्स फॉर विन यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम प्रयोग करें द हंड्रेड वुमेन्स कंपटीशन का मैच नंबर वन जो कि इस सीज़न खेला जाएगा ओवल इन विंसिपल वुमेन और बर्मिंग फिनिक्स वुमेन के बीच में आ, जो कि अगर लोकल टाइम की बात करें तो 2:45 फोर्टी यानी दोपहर में मैच होगा और इसके बाद नाइट वाला मैच जो है मेन्स का होता है तो यूजल है और ये जो है छत्तीस मैच का जो सीरीज जो पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा इसको कवर करने की कोशिश करूँगा तो आप पूरा सीरीज जो है यहाँ पर कमर कस के रखो और अपना इन्वेस्टमेंट जो है संभाल के रखना ताकि इन मैचेस में जो है आपको अच्छा कमाने का मौका मिले क्योंकि हंड्रेड बॉल सीरीज़ होता है यानी सौ गेंदें जो कि यूजुअली ट्वेंटी ओवर्स के मैच में एक सौ बीस होती हैं जो कि यहाँ पे हंड्रेड होती हैं पाँच बॉल का एक ओवर यानी एक जो यहाँ पर सेट होता है तो रूल्स वगैरह चीज़ें मैं आपको अगर चाहिए तो अलग से एक वीडियो में समझाऊँगा और मैंने लास्ट सीजन की वीडियो में ऑलरेडी जो है सारी चीज़ें कवर की हुई है जो वेन्यू होने वाला है ये मैच का द किया ओवर लंडन यानी कैनिंगटन ओवर लंडन भी इसको कहा जाता है तो इस वेन्यू पे मैच खेला जाएगा इलेवन चैलेंजर्स एप्लीकेशन पे आप अगर अभी तक पहुंचे नहीं है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप यहां पे ज्वाइन कर सकते हैं सिंगल वर्सेस सिंगल यानी एक प्लेयर लेके आप अपना टीम बना सकते हैं यानी सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर अपना पूरा का पूरा पैसा आप लगा सकते हैं फ्री जीएसटी यहां पे आपको लगता है फ्री टी है चार एक्स्ट्रा आपको डिपॉजिट अगर आप ट्रांसफर करते हो विनिंग्स का और तो डिपॉजिट में तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा एक्स्ट्रा चार परसेंट कैश और सीरीज लीडर बोर्ड चल रहा है द मेंस कंपटीशन हंड्रेड जो हंड्रेड का जो है मेंस और वुमेंस कंपटीशन के लिए जो सीरीज लीडर बोर्ड है वो आ चुका है यहाँ पे एक लाख रुपये पहला प्राइज है तो आप पूरा पूरा सीरीज अगर खेलना चाहते हो तो लेवन चैलेंजेस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और रेफर कोड दे दिया है आप चाहो तो आप एक्स्ट्रा एडिशनल बोनस वगैरह के लिए यूज कर सकते हो कुल बारह मैच जो है दकी है वो लंडन पे अभी तक द हंड्रेड कॉम्पिटिशन में वुमेन्स के खेले गए हैं मेन्स के नहीं है वुमेंस के हैं सिर्फ ध्यान रखना छह बार बैटिंग फर्स्ट नहीं जीता है चार बार बैटिंग सेकंड नहीं जीता है दो नो रिजल्ट और टाई मैचेस में भी गया है और 104 का पहला इनिंग का एवरेज टोटल रहता है अब जो मेंस कंपटीशन में जो एवरेज रहता है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको 140 के आसपास का लेकिन जैसे ही वुमेंस कंपटीशन की बात आती है तो यहाँ पे थोड़ा कम ही टोटल आपको बनता देखने को मिलता है ठीक है 104 का टोटल है थोड़ा इससे ज़्यादा ही बनेगा 110 के आसपास अब रिसेंट कुछ मैचेस को भी देख लेते हैं ताकि हमें क्लियरली पता चले कि क्या हुआ है रिसेंट मैचेस में रिसेंट मैच जो है लास्ट सीजन का ही है 2023 ट्वेंटी थ्री अगस्त को है और उसके जो पुराने मैचेस हैं वो भी मैंने वैसे ही डेट वाइज मेंशन किया हुआ है Uh, जो ओवल इन्विंसिब्स सुमन है जो इस मैच में खेल रही हैं, उनका 155 का टोटल ट्रेन रॉकेट वुमेंस ने जो है 152 फिफ्टी टू चेज नहीं कर पाए, बेसिकली इस मैच में चेज नहीं हुआ बैटिंग फर्स्ट ने विन किया ओवरऑल इस पे बैटिंग फर्स्ट ने ही ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है और लास्ट सीजन की बात करें तो लंडन स्प्रिट ने हंड्रेड एंड एटीन बनाया था ओवल इन्वेंसिबल्स वुमन चेज नहीं कर पाए सेकंड इनिंग में ऑल आउट हो गई ये टीम और ओवल इन्वेंसिबल्स वूमन इनका ये होम वेन्यू में ध्यान रखना है जो ओवल इन्वेंसिबल्स हैं इनका ये होम वेन्यू होने वाला है वन उन्होंने बनाया और वह जो मैनचेस्टर ओरिजिनल्स है वो चेज नहीं कर पाए लगभग ऑल आउट हुए हैं मतलब नौ विकेट कुल मिला के सेकेंड इनिंग में और ओवल इन्वेंसिबल्स जो कि एटी बनाया था और वेल्च फायर ने आसानी से चेज किया लास्ट सीजन वेल्सफायर की टीम में बहुत अच्छे प्लेयर्स थे और परफॉर्मेंस भी अच्छा किया है लास्ट सीजन वोअल इन ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया लेकिन लास्ट में जाके फाइनल में जो है सदन ब्रेक जीत गई और रिसेंट अभी देखो ये नया जो है मैंने सेगमेंट आपके लिए ऐड किया है यहाँ पे मैंने जो बॉलिंग स्टाइल होता है प्लेयर्स का उसके अकॉर्डिंग ब्रेक डाउन करके आपको दिया है ताकि आप इनिंग वाइज जो है प्लेयर्स को सेलेक्ट करो जैसे स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है ऊपर वाला एस एल ए ओडी जो है वो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है कुल मिला के नो विकेट मिले हैं पहला इनिंग में छः और सेकेंड इनिंग में तीन और राइट आर्म लेग ब्रेक यानी आर ए एल बी जिसको सेकेंड इनिंग में ज्यादा विकेट मिले हैं चार पहला इनिंग में एक भी विकेट उनका नहीं है चारों मैचेस में और राइट आर्म ऑफ ब्रेक जिनको पहला इनिंग में पांच विकेट मिले हैं सेकेंड इनिंग में दो विकेट मिले हैं और राइट आर्म मीडियम फास्ट और राइट आर्म फास्ट बॉलर्स जो होते हैं राइट आर्म के जो पेस बॉलर्स होते हैं उनको पहला इनिंग में बारह विकेट्स मिले हैं और सेकेंड इनिंग में अठारह विकेट मिले हैं यानी कुल मिला के दोनों इनिंग में सबसे ज्यादा विकेट जो है राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर्स को ही मिले हैं लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट या लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स जो होते हैं उनके पहला इनिंग में चार विकेट हैं और सेकेंड इनिंग में दो विकेट हैं तो ये ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा आपको अगर सही लगता है ऐसा आपको ब्रेकडाउन चाहिए नेक्स्ट वीडियोज में भी तो आप जरूर जो नीचे कमेंट में बताना और इसमें मैंने यहाँ पे एक चीज़ मिस की है वो है पहला इनिंग और सेकंड इनिंग में कुल मिला के पेसर और स्पिनर को कितना कितना विकेट मिला है वो मैंने नहीं दिखाया मैंने यहां पे आपको डायरेक्टली ब्रेक डाउन करके दिया है कि आप जो स्पिनर्स हैं उसमें एक्शन अलग अलग होता है स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स का एक्शन अलग होता है राइट आर्म लेग ब्रेक का एक्शन अलग होता है ऑफ ब्रेक का एक्शन अलग होता है लेकिन तीनों को स्पिनर में ही काउंट किया जाता है ऊपर जो आपको हर मैच के नीचे स्पिन और पेस का जो मैं जो यहाँ पे आपको दिखाया हूं तो उस वाले में आपको देखने को मिलेगा जो तीनों स्पिनर्स हैं उनके मिला के पहला इनिंग में कितने विकेट है और सेकंड इनिंग में कितने विकेट है

इस रिसेंटली पे ओवल इन्विपल सुमन का जो परफॉर्मेंस है उसको भी देख लेते हैं 2023 के तीन मैचेस को मैंने यहाँ पे आपके सामने मेंशन किया है और तीन मैचेस में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे तीनों ही मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस है एक मैच जो हारी है वो 21 वन रन से यानी चेस करते समय हारी है जो लंडन स्पिरिट के अगेंस्ट में नाइन्टी सेवन पे ऑल आउट हो गए थे उस वाले मैच में आपको कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा लेकिन मार्जिन कैप आप जो है अगेन उनका नाम देख सकते हैं सभी मैचेस में अक्रॉस दी बोर्ड एलिस कैप्सी ने अच्छा परफॉर्म किया है एक मैच जिसमें वो फेल हुई है वहां पे उनकी टीम हार गई है ठीक है ये जो है यहाँ पे कॉमन थ्रेड है मार्जिन क्या बोलिंग बैटिंग कहीं ना कहीं से पॉइंट बना के दे रही हैं और रियाना मैकडोनल्ड गे ये आपको दोनों दो मैचेस में एक्चुअल में इनका नाम आपको देखने को मिलेगा जो लास्ट रिसेंट मैच है जिसमें आपको ट्वेंटी अगस्त 2023 का मैच दिख रहा है इसमें उनका नाम नहीं दिख रहा लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा है एक मैच में दो विकेट है एक मैच में चार विकेट है अगर आपको मैं मार्किंग के साथ दिखा दूँ तो यहाँ पर दो विकेट उनके दिख रहे हैं और यहाँ पे चार विकेट दिख रहे हैं राइट तो बेहतरीन परफॉर्मेंस है और सूफिया स्मेल जो कि आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे दो विकेट उनके नाम पे हैं यहाँ पे दो विकेट हैं और इस वाले मैच में उनका नाम नहीं दिख रहा लेकिन अगेन ये दो प्लेयर्स हैं रायना मैकडोनल्ड के और सूफिया स्मेल ये दो प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंटली आपको परफॉर्मेंस इस वेन्यू पे करते दिख रहे हैं ठीक है अब अगर दो मैच जो बर्मिंगहम फिनिंग्स ने खेले उनको देखा जाए लास्ट सीजन एक भी मैच यहाँ पे इन्होंने नहीं खेला लास्ट मैच लास्ट सीजन एक भी मैच नहीं हुआ 2022 का एक मैच है और 2021 का एक मैच है और दोनों ही मैच वो हारे थे तो बेसिकली यहाँ पे ज्यादा स्कोर्स नहीं दिख रहे ईव जोन्स जो कि एक टाइम पे ओपन किया करती थी तो उनका रिसेंट मैच में जो है 29 का स्कोर है और एमी जोन्स जो विकेट कीपिंग करती हैं ध्यान रखना इस टीम में दो जोन्स हैं और आई थिंक तीसरी जोन्स भी हैं ईव जोन्स एक हैं और आपको एमी जोन्स दिख रही हैं एमी जोन्स विकेट कीपिंग करती हैं ईव जोन्स जो है वो एक लेफ्ट आर्म फास्ट और लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करने वाली प्लेयर हैं और 2021 सीजन में जो ईव जोन्स हैं वो ओपन किया करती थी अलॉन्ग साइड सूफी डिवाइन तो कंसिस्टेंटली जो है अच्छा करती थी लेकिन लास्ट सीज़न और उससे पहले वाले सीजन में सेकेंड सीजन में वो जो है नीचे डाउन द ऑर्डर पुश करी गई हैं और बॉलिंग से अगर देखा जाए तो एमली एयलोट और इसी सी वॉन्ग तो ये प्लेयर हैं और यहां पे एलोट का अगेन एक विकेट आपको 2021 वाले मैच में भी दिख रहा है तो एलोट ज्यादा बोलिंग नहीं कराती है ध्यान रखना कभी दस गेंदें कराएंगी तो कभी पंद्रह गेंदें कराएंगी ठीक है पूरे बीस गेंदें ये कभी नहीं कराती है क्योंकि मैं जैसे बताया यहाँ पे आपको ओवर्स नहीं देखने को मिलते सेट्स देखने को मिलते हैं तो पूरे सेट बॉलिंग नहीं करवाती है हेटवेड की बात करें तो टोटल चार मैचेस अभी तक हेटवेड में खेले गए हैं इन्विंसिबल्स वुमेन ने जो है चारों ही के चारों मैचेस जो जीते हैं यानी बर्मिंगहम फिनिक्स वुमेन ने अभी तक एक मैच भी विन नहीं किया है ठीक है तो हेड टू हेड में रिकॉर्ड भी उनका अच्छा देखने को मिल रहा है ओवल इन्वेंसिबल्स का और होम वेन्यू भी है तो डेफिनेटली वो एडवांटेज भी देखने को मिलेगा एज एजबेस्टन बर्मिंगम में रिसेंट मैच इनका लास्ट सीजन का खेला गया था जो कि इस वेन्यू पे नहीं हुआ था जो कि एज एजबेस्टन में हुआ है ओवल इन्वेंसिबल्स ने वन बनाया था वन थर्टी फिनिक्स चेज नहीं कर पाए और पहला इनिंग में आपको मार्जिन कैप आप, विनफील्ड दोनों के रनस देखने को मिलेंगे मार्जिन कैप आपको चार नंबर पर खेलते देखने को मिल सकती हैं चार या पाँच पे हो सकता है कभी चार पे आए कभी पांच पे आए तो थोड़ा नीचे खेलती हैं विनफील्ड ओपन कराती हैं अच्छी फॉर्म में दिख रही हैं अभी एक रेचल फ्लिंट ट्रॉफी करके होता है पचास ओवर का फॉर्मेट है उसमें परफॉर्मेंस अच्छा करके आ रही हैं ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक फोर्टी प्लस की एवरेज से उसमें उस जो है टूर्नामेंट में खेल रही थी रैना मैकडोनल्ड गे और जो यहाँ पे पेज कोफील्ड आपको देखने को मिलेंगी पेज कोफील्ड आज के मैच में आपको बैटिंग से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते दिख सकती हैं क्योंकि इनका रीसेंट फॉर्म आप देखना एक बार जो टी ट्वेंटी का डोमेस्टिक इनका टूर्नामेंट होता है उसमें पेज कोफील्ड थर्ड रन गेटर थी हाईएस्ट रन गेटर थी उसमें और ओवरऑल बॉलिंग भी कर सकती हैं अभी तक तो बोलिंग लास्ट सीजन कराया नहीं मतलब लास्ट सीजन कराया है लेकिन अभी ये ट्वेंटी में जितने भी मैचेस खेले हैं उन्होंने ज्यादा उन्होंने बॉलिंग नहीं करवाई है आई थिंक इंजरी हो सकती है एक्जैक्टली exactly नहीं पता लेकिन जरूर जो यहाँ पे बॉलिंग बहुत कम करवा रही है सो फिटी वाइन फिफ्टी ये जो रिसेंट मैच है इसमें बनाती दिख रही है चेस करते समय के टी लवे और हैना बेकर दोनों लेग स्पिन बॉलिंग है यानी लेग ब्रेक बोलर्स हैं दोनों ही दो दो विकेट निकालते दिखना लास्ट सीजन जो है बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था बर्मिंगम फिनिक्स का और ये दो बोलर सबसे ज्यादा इम्प्रेस लास्ट सीजन कर पाई थी और इनकी प्रीमियम जो पेसर हैं जो कि इसी सी आपको देखने को मिलेंगी वो बहुत ही कम जो है परफॉर्मेंस किया था मतलब बिल्कुल बेकार सा परफॉर्मेंस था और एक तो इनको बोलिंग बहुत कम मिलती थी लास्ट सीजन तो ये आई थिंक लगता है बर्मिंगम फिनिक्स इस बार रेक्टिफाई करना चाहेंगे और अपनी प्रीमियम पेसर को सबसे ज़्यादा बोलें देने देने की कोशिश करने चाहेंगे कैनिंगटन नोवल के दो मैचेस हैं और दोनों ही मैचेस में आप देख सकते हो हेटवेड मैचेस में जो है विंसिपल्स ने अच्छा किया है परफॉर्मेंस ईव जोन्स का 29 का स्कोर एक मैच में दिख रहा है और मार्जिन कैप का यहाँ पे आपको 37 और अगेन कैपसी ये परफॉर्मेंस आता दिख रहा है मार्जिन कैप बोलिंग से भी परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है और तैश फरान अभी फिलहाल विद्रॉ कर लिया है इन्होंने नाम तो ये तो चार विकेट वाला परफॉर्मेंस आप मान लो तैश फरान का जो है यहाँ पे नाम डाला जरूर है लेकिन ये नहीं खेलेंगी ध्यान रखना इन्होंने अपना नाम विद्रॉ किया है एलिस कैप्सी कभी कभी पांच या दस गेंदें करवा लेती हैं बीच में तो वहाँ पे इनको विकेट मिलने के चांसेस भी रहते हैं एमीजोन्स थर्टी फाइव का स्कोर और यहाँ पे एम जोन्स का टेन का स्कोर है और इस वाले मैच में तो उनका नाम नहीं है ठीक है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस में मेरे को लग रहा है लॉरन विनफील्ड हैं जिनका दो नाम दो बार नाम आ रहा है और एलिस कैप्सी हैं जिनका नाम आपको रिपीटेडली बॉलिंग बैटिंग दोनों से देखने को मिल रहा है इसी वांग ने अच्छा किया जरूर है लेकिन ज्यादा विकेट में नहीं आई हैं कभी एक विकेट ही निकाला है तो यहाँ पे जो है कभी अठारह बीस रनस बैटिंग से बनाती हैं बर्मिंग फिनिक्स की जो प्लेइंग इलेवन है इसको देख लेते हैं एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन है ध्यान रखना इसमें कोई भी चेंज होने की पॉसिबिलिटी पूरी रहेगी क्योंकि पहला ही मैच है तो ये जो है एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि चेंज होगा ठीक है सूजी बेट्स और सूफी डिवाइन ओपन करेंगी सूजी बेट्स एज अ कवर प्लेयर हैं यानी दो या तीन मैचेस के लिए रिचा घोष नहीं खेलने वाली क्योंकि वो एशिया कप खेल रही हैं इंडिया के लिए तो वो अवेलेबल नहीं रहेंगी नेशनल ड्यूटीज की वजह से तो उनके कवर के लिए जो है सूजी बेट्स को रखा गया है तो सूजी बेट्स जब तक रिचा घोष नहीं आती उस टाइम तक रहेंगी अवेलेबल बर्मिंग फिनिक्स के लिए लेकिन जैसे ही रिचा घोष वापस आ जाएंगी इंडिया से जो है इंग्लैंड को तो फिर जो है सूजी बेट्स आपको बाहर जाते देखने को मिल सकते हैं लेकिन फिलहाल जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का सीरीज हुआ था उसमें परफॉर्मेंस उतना कुछ खास था नहीं सूजी बेट्स का एक दो मैच में अच्छा स्टार्ट ज़रूर लिया था पचास तो नहीं बनाया कहीं पर भी तो परफॉर्मेंस तो अभी तक अच्छा नहीं आया रिसेंट दस मैचेस में अगर आप देखते तो सूफी डिवाइन बॉलिंग करवा रही हैं और पूरे बॉलिंग कराने के चांसेस हैं पूरे बीस गेंदें डाल सकती हैं और डेथ में डालती है लास्ट सीजन इसी वांग नहीं बॉलिंग करवाती थी मैं जैसे बोला इसी वांग लास्ट सीजन बोलिंग नहीं कराती थी तो सूफी डिवाइन को पूरे बीस गेंदे मिल जाती थी कभी पंद्रह डालती थी तो कभी बीस डालती थी तो दो स्पिनर्स इनके हुआ करते थे एक तो के टी लेविक हुआ करती थी और उनके साथ में जो यहाँ पे हैना बेकर इन दोनों को खिलाया जाता था लेकिन इस बार कैरिस पैवली को खिलाया जा सकता है एमिली और लॉट, इसी वॉन्ग और इनके साथ जो है एलिस पेरी एंड सुफी डिवाइन ये इनके पेस बोलिंग डिपार्टमेंट के प्लेयर्स हैं जिनमें जो है काफ़ी अच्छा अगर बोलिंग देखा जाए तो एलिस पेरी, सुफी डिवाइन और इसी वॉन्ग ये तीन इनके फ्रंट लाइन पेसर्स हैं अगर स्पिंग में देखा जाए तो पैवली हैं और के टी लेवी देखने को मिल जाएंगी और बैटिंग में देखा जाए बैटिंग में मैं जैसे बोला डिवाइन और बेट्स ओपन करेंगी फ्रैन विल्सन ये इनके वाइल्ड कार्ड पिक हैं ध्यान रखना ये अभी रिसेंट में एक वनडे सीरीज हुआ था और टी ट्वेंटी सीरीज मतलब एक टूर्नामेंट होता है डोमेस्टिक लेवल पे जहाँ पर ब्लेज और ऐसा कुछ टीम जो यहाँ पे खेला जाता है मेरे को टूर्नामेंट्स के नाम याद नहीं है लेकिन ड्रीम इलेवन पर वो फीचर ज़रूर होता है तो वो टूर्नामेंट्स में अगर देखा जाए तो फ्रैन विल्सन ने अच्छा परफॉर्म किया थर्टी एट की इनकी बैटिंग एवरेज थी दस मैचेस में ठीक है दस मैचेस खेलने के बाद थर्टी एट की बैटिंग एवरेज थी और इसी वजह से इनको जो है वाइल्ड कार्ड पिक में जो है पिक करा गया यानी बिल्कुल अभी दो हफ्ते पहले जो है एक वाइल्ड कार्ड सेलेक्शन होता है उसमें दो प्लेयर्स को लेना होता है तो यहाँ पे जो फ्रैन विल्सन है इनको उस वाइल्ड कार्ड पिक में लिया गया था एलिस पेरी जो है अभी फिलहाल के लिए अवेलेबल है फिट है और टीम के साथ चल रही हैं देखना पड़ेगा अभी खेलती हैं नहीं अलग अलग फ्रेंचाइज़ के लिए खेला करते हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रीमियम जो है ऑलराउंडर हैं एमी जोन्स विकेट कीपिंग कराएंगी और उनके साथ साथ यहाँ पे शिरींस स्मेल भी हैं श्रींस स्मेल हो सकता है यहाँ पे विकेट करा विकेट कीपिंग कराए या एमी जोन्स कराए ज्यादा चांसेस है से एमी जोन्स विकेट कीपिंग कराएं और शिरींस स्मेल अगर खेलती हैं तो थोड़ा ऊपर बैटिंग कहीं पे आ सकती है कहां पे आएगी देखने वाली बात है मेरे को अभी भी बैटिंग ऑर्डर कन्फर्म नहीं लग रहा क्योंकि लास्ट सीजन जो बर्मिंग फिनिक्स की यूनिट थी वो बिल्कुल अलग थी अभी जो बर्मिंग फिनिक्स की यूनिट है वो बिल्कुल अलग है दो तीन प्लेयर इसमें अलग देखने को मिल रहे हैं तो बैटिंग ऑर्डर क्या होगा एक्जैक्टली कहना थोड़ा मुश्किल है ईव जोन्स और वैसे तो 2021 की बात करें तो ईव जोन्स ओपन किया करती थी लेकिन अभी फिलहाल मेरे को लग रहा है थोड़ा नीचे ही खेलेगी और क्लास सीजन भी यही पोजीशन था इनका छः या सात नंबर पे ही बैटिंग करने आती थी ठीक है थोड़ा नीचे बैटिंग करने आती है इसी वांग तक लगभग आप मान लो एमिले अलोट और इसी वांग तक आप बैटिंग इनकी आ सकती है यानी नौ नंबर तक इनकी बैटिंग लगभग डेप्थ आ जाती है तो बैटिंग के लिए तो दिक्कत नहीं है बैटिंग इनकी भरपूर है बॉलिंग में जैसे बोला तीन पेसर्स के ऊपर सबसे ज़्यादा रिलाई इनको करना पड़ेगा और एक पैवली हैं जो कि स्लो लेफ्ट रेफ्टा मोर्थोडॉक्स बॉलिंग करवा सकती हैं और के टी लेविक इनकी सबसे बेस्ट गो टू जो है स्पिन बॉलिंग ऑप्शन रहती है हैना बेकर भी हैं लास्ट सीजन हैना बेकर को खिलाया जाता था कंसिस्टेंटली क्योंकि इसी वांग नहीं बॉलिंग कराती थी तो हैना बेकर और जो के टी लेविक हैं वो सबसे ज़्यादा इनकी बॉलिंग संभालती थी और स्टेरा कैलिस जो है ये एक प्लेयर है जो कि आई थिंक एलिस मैकलॉयड को जो है अभी एलिस मैकलॉयड और एक जो प्लेयर मैं बताया फ्रैन विल्सन ये दो प्लेयर थे इनके जो इन्होंने वाइल्ड कार्ड में पिक किया है रिचा घोष जैसे बोला अवेलेबल नहीं है वो एशिया कप खेल रही हैं वो इन्विपल्स के प्लेइंग इलेवन को देख लेते हैं इनकी क्या प्लेइंग इलेवन होने वाली है और बैटिंग ऑर्डर क्या होगा लॉर एंड वेनफील्ड हिल ओपन करेंगी अलॉन्ग साइड एलिस कैप्सी एलिस कैप्सी का अभी फॉर्म अगर देखा जाए जो इंग्लैंड वाली सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड के साथ उसमें इन्होंने बहुत बेहतर परफॉर्म किया था एक लॉर्ड्स वाला जो मैच है वो मेरे को याद आता है लॉर्ड्स में था एज बेस्टन में था जहाँ आई थिंक एक वेन्यू था मेरे को याद नहीं आ रहा है कोई तो हिल करके आई थिंक वेन्यू का नाम नहीं याद आ रहा लेकिन वो मैच में रेन एफेक्टेड मैच था और उस मैच में इन्होंने 67 का स्कोर बनाया था बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था अच्छा बैटिंग किया था ओवरऑल और पेजको फील्ड ये देखो ये भी जो है रिसेंट में इन्होंने परफॉर्मेंस जैसे मैं बोला अभी बैटिंग से ज़्यादा अच्छा कर रही हैं लास्ट सीज़न ये बॉलिंग भी करा करती थी लास्ट सीजन इनको पूरे बीस सॉरी यहाँ पे जो है बीस गेंदे बॉलिंग मिलती थी यानी दो पूरे चार ओवर के आसपास आप मान लो कि चौबीस गेंदे होते हैं तो बीस गेंदे इनको बॉलिंग मिलती थी और बैटिंग इनको जो है चार या पांच नंबर पर भेजा करते थे तो ये अलग टी अभी जो यहाँ पे अभी अलग जो है यहाँ पे आपको एक स्टाइल में देखने को मिलेंगी वन डाउन पे बैटिंग कर सकती हैं और वन डाउन पे बैटिंग करने की वजह से अभी रिसेंट में जो वनडे सीरीज़ यानी वनडे टूर्नामेंट हुआ है उसमें इन्होंने परफॉर्मेंस अच्छा दिया है ये जो 50 वाले स्कोर्स आपको कंसिस्टेंटली दिख रहे हैं ये सारे वो जो वनडे टूर्नामेंट हुआ है उसमें देखने को मिलेंगे ये टी का स्कोर नहीं है ध्यान रखना लिमिटेड ओवर है ऑल लेकिन ये जो है अलग स्कोर आपको देखने को मिल रहा है और नीचे नीचे जो बैटिंग है उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे या तो जॉर्जिया बॉयज खेल सकती हैं या लॉरा हैरिस खेल सकती हैं लॉरा हैरिस जो है वो आपको एज ए रिप्लेसमेंट देखने को मिलेंगी चमारी अटापट्टू के लिए जो श्रीलंकन प्लेयर है चमारी अटापट्टू वो भी एशिया कप खेल रही हैं तो उनके कवर पर जो है लोरा हैरिस को लिया गया है अब तो ये कवर प्लेयर है तो क्या इनके साथ वन डाउन पे या टू डाउन पे बैटिंग करवाएंगे या जो नीचे एज ए यूजल जो ए डब्ल्यू बीबीएन में खेलती हैं कभी कभी जो है नीचे खेलती हैं कभी ओपन करवाते हैं ब्रिस्बिन हिट इनसे तो देखना पड़ेगा किस पोजीशन पे इनको रखा जाता है क्योंकि लॉरा हैरिस कैन ओपन और नीचे जो है एज ये फिनिशर के तौर पे भी खेलते हैं तो दोनों पोजीशन ये संभाल सकती हैं तो इनको एग्जैक्टली exactly किस पोजीशन पे टीम जो है यहाँ पे भेजना चाहेगी देखने वाली बात है छः नंबर पर मैंने अभी इनको ड्राफ्ट किया है हो सकता है ये ओपन या टू डाउन पर खेलने खेलते हुए आपको देखने को मिल जाए ठीक है तो ध्यान रखना बैटिंग ऑर्डर में मेरे को लग रहा है बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है एक मैच पहला जो है देखना पड़ेगा तो जाके समझ आएगा कि कौन सा प्लेयर कौन से रोल के लिए सेलेक्ट किया गया क्योंकि सेम पोजीशन पे जो यूजुअल खेलते हैं वो प्लेयर्स को दो दो तीन तीन प्लेयर को टीम में ड्राफ्ट किया है तो कहाँ पे खिलाएंगे ये अभी भी पता नहीं है तो देखना पड़ेगा मार्जिन कैप देखो वैसे तो वन डाउन पे लास्ट सीजन खेला करती थी अब मेरे को लग रहा है ऊपर बैटिंग ज़्यादा अच्छी होने की वजह से मार्जिन कैप को पाँच नंबर पर रखा जा सकता है क्योंकि बैटिंग से ये जो है मेरे को लग रहा है गजब फॉर्म में है तो फिनिशर इनको चाहिए होगा ऊपर अच्छी बैटिंग है वैसे आपको पता चल रहा है यहाँ पे चार नंबर तक अच्छी बैटिंग इनकी है तो नीचे इनको बैटिंग चाहिए होगी अगर अच्छी फिनिशिंग की बात करें पावर हीटिंग जो चाहिए होती है वो मार्जिन कैप और लॉरा हैरिस कर सकती हैं और एक और चीज है जो गार्डनर एक ओपनर है डोमेस्टिक में जो अभी टी ट्वेंटी टूर्नामेंट इनका हुआ है मैं जो बोला इंग्लैंड में उस वाले में इन्होंने ओपन किया था तो ओपन भी कर सकती हैं ओपन करेंगी तो एलिस कैप से आपको वन डाउन पे आती दिखेंगी और पेज को फील्ड चार पे, देन उसके बाद मार्जिन कैप पांच पे देन बॉयस या हैरिस का जो नंबर आ सकता है तो ऐसा भी जो है बैटिंग ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा तो ध्यान रखना मैं यहाँ पे जो प्लेयर जिस सीक्वेंस में लिखा हूं ये जरूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में बैटिंग करने आए लेकिन जो फॉर्म है उसके ऊपर फोकस करना है फॉर्म अच्छा है अगर ऊपर बैटिंग कर रही हैं डेफिनेटली आप ले सकते हो अभी जो अमांडा वेलिंगटन का ये 83 वाला स्कोर दिख रहा है ये वन वनडे अभी एक जो टूर्नामेंट हुआ है इंग्लैंड में उसी में ये खेल रही थी आई थिंक साउथ ईस्टर्न स्टार्स ऐसा कुछ नाम है उनसे ये खेला करती थी और uh, उस मैच में ये एटी बनाई थी और आउट होते हुए एक मैंने क्लिप देखा था बहुत ही अजीब वो आउट था रिवर्स प्लिक मारने गई थी विकेट कीपर के जो हेलमेट है उसमें जो है बॉल लगी थी तो ये 83 थ्री बै, बैटिंग अच्छा कर सकती हैं अमांडा वेलिंगटन और डब्ल्यू बी में बैटिंग भी करती हैं ऊपर आती हैं थोड़ा बैटिंग के लिए अभी यहाँ पे तो चलो ठीक है आठ नंबर तक इनकी बैटिंग है, मतलब मेडी प्लेयर्स बीच में बैटिंग कर सकती हैं तो ओवरऑल नौ दस नंबर तक इनकी बैटिंग लगभग आ जाती है तो दोनों साइड अगर आप देखते हो तो नौ या दस तक इनकी बैटिंग जा रही है तो बैटिंग डेप्थ में कोई कमी नहीं है सारी बात जो आती है वो आता है बॉलिंग पे बॉलिंग इनकी सबसे ज्यादा मेरे को स्ट्रांग लग रही है मेरे को लग रहा है ओवल इन्विंसिपल्स की जो बॉलिंग है वो ज्यादा स्ट्रॉगर साइड है कंपैरेटिवली जो बर्मिंगम फिनिक्स है जितना लग रहा है ओवल इन्विंसिपल्स के पास पेसर्स कितने हैं एक रयाना मैकडोनल्ड के हैं और उनके साथ यहाँ पर आपको मार्जिन कैप देखने को मिलेंगी ये दो इनके जो है पे प्रीमियम पेसर्स हैं जो सबसे ज़्यादा यही डेथ में बोलिंग कराते हैं आपको देखने को मिल सकते हैं जो स्पिन बोलिंग है उसमें अमांडा विलिंगटन सबसे इम्पोर्टेंट जो स्पिनर है वो अमांडा विलिंगटन है उसके बाद सूफिया शमेल हैं जो आपको ग्यारह नंबर पर दिख रही है लेफ्ट ऑन ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करवाती हैं देन मैडी विलियर्स हैं और अलिस कैप्सी हैं तो स्पिन बोलर्स इनके पास काफ़ी ज़्यादा हैं अब अगर यहाँ पे चाहते हैं टीम तो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं मेडी की जगह एक रेचल स्लेटर करके एक प्लेयर है इन्होंने अभी एक जो वाइल्ड कार्ड ड्राफ्ट हुआ था उसमें पिक किया था रेचल स्लेटर को तो इनको खिला सकते हैं ये लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलिंग करवाती हैं और वनडे अभी एक टूर्नामेंट हुआ उसमें ये नाइन्थ या टेंथ हाइस्ट विकेट टेकर थी तो टीम चाहती है तो इनको खिलाया जा सकता है रेचल स्लेटर और लीजी स्क्वाड भी हैं राइट आर्म फास्ट अगर चाहते हैं तो लीजी स्क्वाड है और लेफ्ट आर्म अगर चाहते हैं तो रेचल स्लेटर हैं दो ऑप्शन हैं मेडिविलियर्स या जो है यहाँ पे आपको सूफिया शमेल की जगह कोई एक खेलता देखने को मिल सकता है मोस्ट लाइकली सूफिया शमेल जो कि उतने ज़्यादा ग्रेट फॉर्म में नहीं लग रही तो उनकी जगह एक पेसर को खिलाया जा सकता है तैश फेरान्ड ने अपना नाम जो है वो विड्रॉ कर लिया है और चमारी टपटू अवेलेबल नहीं है एशिया कप खेल रही है ठीक है तो ये इतने सारे अपडेट्स हैं जो मैंने आपको सारे स्टैट्स वगैरह भी दिखा दिए अब देखते हैं यहाँ पे हम फिनिक्स के रिकॉर्ड इस वेन्यू पे यानी कि यह ओवल या, या केनिंगटन ओवल आप कह लो इस वेन्यू पे जो रिकॉर्ड्स इन्होंने रिकॉर्ड मतलब खेले हैं मैचेस वो रिसेंट मैचेस मैंने मैंशन किए हैं बिल्कुल लेफ्ट में जो है वो सबसे पहला मैच है उनका जो इस वेन्यू पे खेला है देन सो ऑन राइट की तरफ आप जाओगे तो जो पुराने मैचेस हैं वो आते जाएंगे तो मैंने इनिंग वाइज बैटिंग और बॉलिंग दोनों का परफॉर्मेंस सभी प्लेयर का चेक किया जितने प्लेयर का मेरे को यहाँ पे फॉर्म मिला है सभी प्लेयर्स का मैंने लगाया है द हंड्रेड का और टी ट्वेंटी का टी ट्वेंटी इंटरनेशनल का सब कुछ मिला के यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है तो ध्यान रखना ये इस वेन्यू पे जो इन्होंने अभी रिसेंट मैचेस खेले हैं वो इनिंग वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके आपको दिखाया है ताकि आप अगर टॉस के बाद देखते हो इस स्लाइड को तो आपको क्लियरली आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा प्लेयर कब लेने का है ठीक है फर्स्ट इनिंग में जिनका रिकॉर्ड अच्छा दिख रहा है आपको वेन्यू पर तो उनको आप पहला इनिंग में पिक करो जो सेकंड इनिंग में जिनका रिकॉर्ड अच्छा दिख रहा है तो उनको आप सेकंड इनिंग में पिक करो जैसे यहाँ पे मैरिजन कैप है इनका रिकॉर्ड आप देखो तो पहला इनिंग में इनकी बॉलिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है सॉरी uh, जो पहला इनिंग में इनकी जो बॉलिंग है वो अच्छी है सेकंड इनिंग में अगर आप इनकी बॉलिंग देखते तो वो काफी ठीक ठाक है लेकिन सेकंड इनिंग में इनकी बैटिंग बहुत बेहतरीन है तो ये आप यहाँ पे यूजल जो आपको दिख रहा है कि एक क्लियर पिक्चर समझ आ रहा है कि आप इन दोनों दोनों इनिंग में इनको आप रखो और सी ऑप्शन के लिए प्राइमरी कंटे, जो कंटेंडर हैं लग रही हैं क्योंकि दो तीन विकेट ये फ्रीक्वेंटली निकाल रही हैं तो किसी मैच में दो निकालते हैं तो उसके अगले दूसरे मैच में आपको ये थ, तीन या चार विकेट निकालते दिख रही हैं लॉरेंड विनफील्ड इन कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं खास करके सेकेंड इनिंग ये जो है दो बार नॉट आउट रह चुकी हैं इस वेन्यू पे तो अच्छा परफॉर्मेंस है ओवरऑल देखा जाए तो एंड मैडी विलियर्स ऑल्सो मैडी विलियर्स का पहला इनिंग में विकेटलेस एक भी मैच नहीं गया है तो अगर पहला इनिंग खेल रही हैं, तो आप बॉलिंग इनको अपनी टीम में ड्राफ्ट कर सकते हैं ध्यान रखना है कि इसको कितने ओवर्स यानी कितने सेट बॉलिंग मिलेगी ये भी कहना थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैंने मैंने कोशिश की है कि जितने बोलिंग ऑप्शन हैं, वो सारे मैं आपके सामने रख दूँ और मैंने बता दिया है पांच पांच बॉलर दोनों साइड से जो सबसे ज्यादा जो हैं पे कंटेंडर है ज्यादा बॉलिंग करवाने के लिए एक और बॉलर है यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं पेज कोफील्ड इनका सेकंड इनिंग का जो रिकॉर्ड है इस वीडियो पे एक्सेप्शनल है मैं इनको जरूर अपनी टीम में रखूंगा लेकिन बॉलिंग मिलेगी या नहीं ये देखने वाली बात है क्योंकि ट्वेंटी में इन्होंने मुश्किल से कुछ दस ओवर बॉलिंग करवाई है पूरे ट्वेंटी में इन्होंने सिर्फ दस ओवर बॉलिंग करवाई है वो भी मुश्किल से मैं एक्जेक्टली नहीं बता रहा हूं ठीक है तो बहुत कम बॉलिंग करवाई है लेकिन बैटिंग से इनका फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है मैचअप्स की बात करें तो लोरा हैरिस अगेंस्ट सोफी डिवाइन चौदह गेंदों में तीन बार अपना विकेट थमा चुके हैं लेकिन तैतीस रन भी बनाए हैं जो स्ट्राइक रेट है वो भी बहुत बढ़िया है टू से ज्यादा का स्ट्राइक रेट से खेलती है जो गार्डनर जो ओपन करवा सकती हैं मैंने सात नंबर पे मेंशन किया है ध्यान रखना लेकिन ओपन करवा सकती हैं कभी अगर चांस मिलता है यूजुअली ओपनर ही है लेकिन ओपनर ऑलरेडी तीन ओपनर्स इनके पास हैं ऊपर पे तो अगेन जो गार्डनर या ओपन करेंगी या वन डाउन पे खेलेंगी देखने वाली बात है जो एम एट है इनको इनके अगेंस्ट में जो 20 गेंदों में तीन बार अपना विकेट थमा चुके हैं जॉर्जिया बॉयस इसी बॉन्ग के अगेंस्ट 10 गेंदों में दो बार अपना विकेट थमाई हैं और एलिस कैप्सी इसी बॉन्ग के अगेंस्ट स्ट्रगल करती हैं 16 गेंदों में दो बार विकेट अपना खोया है और आठ ही रन बनाया तो थोड़ा यहाँ पे इसी बॉन्ग के अगेंस्ट में इनकी स्विंग बहुत अच्छी होती है स्टार्टिंग एक या दो सेट बॉलिंग जो होती है कभी कभी ये दस गेंदें कंसिस्टेंटली बॉलिंग कराती हैं द हंड्रेड में कंसिस्टेंटली आप पूरे दस गेंदे डाल सकते हैं यानी छः गेंदों का ओवर होता है ऐसा कुछ नहीं है पाँच गेंदे होती हैं लेकिन अगर आप बैक टू बैक दो सेट डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं तो दस गेंदे कंसिस्टेंटली कभी कभी बॉलिंग करवाते हैं एक ही एंड से करवाना होता है तो एक ही एंड से अगर स्विंग मिल रही है तो इसी वांग दस गेंदे कंसिस्टेंटली कराती भी हैं और ये दो सेट में पूरा इनका ओवर खत्म हो जाता है ठीक है लॉरेन एनफील्ड हिल अगेंस्ट एरिस पेरी तीन गेंदें खेली हैं और एक बार अपना विकेट खोया है और मार्जिन के आप अगेंस्ट इसी वांग थोड़ा स्ट्रगल है सत्रह गेंदों में एक बार विकेट और सूफी डिवाइन के अगेंस्ट चौबीस गेंदों में एक बार विकेट दूसरी साइड देखा जाए तो बर्मिंगम फिनिक्स के बैटर्स सूजी बेट्स अगेंस्ट अमांडा वेलिंगटन 69 बॉल्स खेले हैं और चार बार अपने विकेट खोया है ओवरऑल देखा जाए तो मेरे को लग रहा है काफी डिसेंट सा रिकॉर्ड है बहुत अच्छा मैचअप किसी का नहीं दिख रहा एक फैन विल्सन वाला अमांडा वेलिंगटन के अगेंस्ट चौदह गेंदों में तीन बार विकेट उसके अलावा बाकी सारे जो मैचअप्स हैं वो काफी मेरे को लग रहा है फेयर हैं कोई भी ज्यादा यहाँ पे वन साइड मेरे को फेयर नजर आ रहा ठीक है ड्राफ्ट टीम की बात करें तो ये फिलहाल मेरी ड्राफ्ट टीम होने वाली है कैप्टन मैंने मार्जिन कैप को रखा है गिवन द फैक्ट इनके जो रिकॉर्ड्स हैं वो जो इस वीडियो पे हमने देखे हैं और जो फॉर्म है बैटिंग्स है वो और ये प्रीमियम पेसर है टीम की तो मैं इसलिए इनको कैप्टन रख रहा हूँ आप चाहते हैं तो एलिस पेरी को कैप्टन कर सकते हैं एलिस पेरी सेफ कैप्टन ऑप्शन है बहुत सारे लोग इन्हीं के साथ जा रहे हैं आप अगर चाहते हैं तो स्विच कर लेना कैप्टन वेस कैप्टन मैं ये अभी मेरे को लग रहा है सही रहेगा तो मैंने इनको इन दोनों को कैप्टन वेस कैप्टन बनाया फ्रैन विंसन और उनके साथ मैंने पेस कोफील्ड को, को लख, रखा है पेस कोफील्ड एज अ बैटर मैंने सेलेक्ट किया है ध्यान रखना है। ये बॉलिंग भी करा सकती हैं अगर चांस मिलता है मे भी बॉलिंग करवाए ना भी करे तब भी मेरे को बैटिंग से ही ज़्यादा उम्मीदें हैं तो मैं बैटिंग से रख रहा हूँ अगर टॉप फाइव के अंदर नहीं बैटिंग कर रही पेज कोफील्ड तो फिर मैं हटा दूंगा इस चीज़ का भी आप कहीं ना कहीं माइंड में रखना चीज कि अगर ये टॉप फाइव में नहीं दिख रही हैं तो फिर मैं इनको हटा दूंगा दूसरे प्लेयर को ले लूंगा और मैंने और उनके साथ एमी जोन्स को अपनी जो है विकेट कीपर में रखा है एलिस कैप्सी को लिया है एलिस कैप्सी एज अ मोर ऑफ ए बैटर मैंने रखा है ऑलराउंडर के तौर पे सोच के नहीं रखा अगर बॉलिंग करवाते हैं ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं बोनस आ जाएगा लेकिन बैटिंग से ज्यादा उम्मीदें हैं और राना मैकडोनल्ड के और अमाना वेलिंगटन इसी बॉम मेरे जो डेजिग्नेटेड बॉलर्स हैं उनमें मैं तीन बॉलर्स के साथ जा रहा हूं लेकिन एक ऑलराउंडर में है तो इसलिए आपको टीम थोड़ा अलग दिख रही है मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा आप ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे खेलो जहां पे फ्लेक्सिबल टीम बन पाती है ठीक है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है आप एक या आठ बॉलर या बैटर रख सकते हैं तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है तो खेलिए और लेवन चैलेंजेस एप्लीकेशन पर आप ऐसा जो है टीम बना सकता है तो सेम टीम आप वहां पर लगाइए आपके लिए इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म बहुत बेहतरीन है वीडियो अगर आपको इनफॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल पे जो भी लोग न्यू विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस करना और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो फाइनल अपडेट और टीम आपको टॉस के बाद वहीं पे मिल जाएगी ऑल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ न्यू अपडेट्स के साथ अनिल दिन दिस इज द वॉली गी साइनिंग ऑफ